न्यू वीडियो। सबसे पहली चीज जो कि मैं उठने के बाद करता हूँ इज आई प्रे। उसके बिना लाइक इट हैज बीन आई स्टार्टेड प्रेइंग आई थिंक कोविड के टाइम पे एंड इट हैज जस्ट बीन एक ऐसे रिचुअल जैसे बन गया था। सबसे पहली चीज उठने के बाद जैसे ही माई फीट टच नीचे तो फिर आई प्रे एंड उसके बाद मैं चाय बनाता हूँ ब्रश करने के बाद। ये आदत मैंने छोड़ने के लिए ट्राई की है बट सुबह मैं कभी कभी अगर मुझे कॉफ़ी का फेज रहता है मेरा तो फिर आई कैन स्किप कॉफ़ी बट सुबह मुझे चाय की आदत पड़ी है। कमेंट करो कि आपके भी ऐसे कोई रिचुअल्स है या फिर यू जस्ट लाइक वेक अप कोई रैंडम टाइम पे एंड वॉट एवर गो अबाउट योर डे। अगर आप चाय में मेरी तरह शक्कर डालते हो, अगर आप स्टीविया डालते हो तो फिर दिस डजंट अप्लाई टू यू, बट अगर आप शक्कर डालते हो या आप यू कैन रिप्लेस दैट विद मराठी में जो खड़ी साखर बोलते हैं उसके साथ, बट उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, मुझे इसकी आदत पड़ी है। सो व्हाट यू कैन डू इज पहले मेरे घर पे इसके अंदर है ना थोड़ा सा बड़ा चम्मच होता था तो फिर आई टेंड टू है ना दो चम्मच वगैरह डाल देता था, बट आप क्या कर सकते हो इस ये जो चम्मच का साइज है ना अगर आपने वही अगर छोटा कर दिया तो सब कॉन्शियसली लाइक अरे एक ही चम्मच डालना है या फिर 1.5 चम्मच ही डालना है एंड यू विल एंड अप लाइक हैविंग लेस शुगर इन अ चाय। तो ये दिस स्टेप हैज हेल्प मी। ऐसे थोड़ा सा ब्रो हैक है, डजंट मेक मच सेंस बट आप ट्राई कर सकते हो। सो जब तक ओट्स गर्म हो रहा है एंड बाय द वे दिस इज लाइक डिजिटल्स मुझे काउंट करना पड़ेगा। सो जब तक ओट्स मेरे गर्म हो रहे हैं खाते हो, मुझे ये बताना था कि अगर आप भी सुबह ओट्स खाते हो ट्राई टू इंक्लूड दीज टू थिंग्स इन योर ओट्स। पहला हो गया सिनेमन पाउडर एंड द सेकेंड वन इज वेनिला एसेंस। नॉर्मली घर पे अवेलेबल होता है एंड द रीजन फॉर एडिंग सिनेमन पाउडर इज सुबह आपके बॉडी में है ना जब भी आप उठते हो तभी कॉर्टिसोल लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं यानी कि डोपामिन लेवल्स काफ़ी कम होता है एंड आपके डाइट में जब भी थोड़ा सा भी सिनेमन यानी कि दालचीनी होती है एकदम थोड़ा सा जस्ट अच्छा थोड़ा सा डालना है ओट्स में, उससे आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो कॉर्टिसोल इट इज़ अ कॉर्टिसोल ब्लॉकर यानी कि आपका कॉर्टिसोल ब्लॉक हो जाता है एंड नॉर्मली काफ़ी लाइक हेल्पफुल चीज़ है। काफ़ी आपके घर पे भी लाइक अगर आप फ्रिज में या फिर कैबिनेट में ढूंढोगे तो फिर मिल जाएगी एंड इससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। एंड द रीज़न फॉर एडिंग वेनिला एसेंस इज दैट आई हैव नोटिस किया ना जब भी मैं वेनिला एसेंस ऐड करता हूँ शिट हो गया वो फूल जाता है ना पूरा ऊपर आके दैट हैपेंड। एनीवेज द रीज़न फॉर एडिंग वेनिला एसेंस इज दैट आई हैव नोटिस कि अगर मैं वेनिला एसेंस डालता हूँ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप तभी आई नीड लेस शुगर इन माई ओट्स टू गेट द सेम ऐसे टेस्ट हो ना। फिर मेरी आदत है कि क्योंकि ओट्स जो होता है वो बहुत ही ऐसे पाउडरी चौकी टाइप होता है एंड मेरी आदत है कि मैं एटलीस्ट एक पूरा स्पून शक्कर तो डालता हूँ एंड अगर मैं वेनिला एसेंस डालता हूँ तो फिर आई जस्ट नोटिस कि मैं सिर्फ आधा चम्मच शक्कर डालता हूँ। सो यू कैन ट्राई इट आउट, मेक श्योर कि यू हैव दालचीनी एंड मेक श्योर यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला। ज़्यादा मत डालो तो डोपामिन ज़्यादा हो जाएगा उठने लगोगे। तो मैं ओट्स खा रहा था वहाँ पे आधे अभी तक पड़े हुए हैं एंड मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको कि व्हाट आई हैव बीन डूइंग रिसेंटली एंड अगर आप अपने 20s में हो या फिर इवन इफ यू आर 18-19 तो फिर आई अर्ज यू टू डू दिस। यहाँ पर मेरे पास मेरे टेबल के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे चार कैटेगरीज है एंड ये चार कैटेगरीज अगर आप यू नो यू आर इन योर 20s तो फिर फाइंड आउट द 4 मेजर एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन आपके लाइफ में। मेरे लिए ये चार कैटेगरीज है, आपके लिए शायद YouTube अप्लाई नहीं करे, आपके लिए चार कुछ भी हो सकता है बट आई अर्ज यू कि वन ऑफ देम शुड बी हाउ यू प्लान टू अर्न, वन ऑफ देम शुड बी टूवर्ड्स योर फैमिली के लिए आपके क्या क्या ड्यूटीज है। अगर आपको कुछ बाहर से मॉम ने डैड ने कुछ लाने बोला है तो अदर टू थिंग्स यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ बट वन ऑफ देम शुड बी फन। आप अगर बहुत ही ज़्यादा यू नो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी सिर्फ आप काम पे फोकस करे हो तो फिर उतनी मज़ा नहीं होगी, तो फिर यू नो एक कोई फन के लिए कोई भी कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल मी, मुझे आज मेरे फ्रेंड्स से भी मिलने जाना है, आई जस्ट हैव टू लाइक नोट दैट डाउन। सो दैट एक फन कैटेगरी हो गई एंड यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल जो कि मेरे लिए है जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टास्क नोट डाउन किया कि जो वीडियो आप अभी देख रहे हो आई हैव टू ट्रांसफर दैट, मुझे उसको एडिट करना है, मुझे उसका थंबनेल बनाना है, मुझे उसका टाइटल सोचना है एंड मुझे वो एक्सपोर्ट भी करना है कलर ग्रेड करके।
ये वाला जो बोर्ड है दिस इज गोइंग टू बी राइट इन फ्रंट ऑफ मी. जब भी मैं डेस्क पे काम कर रहा हूँ तो फिर आई नो कि द फोर ब्रॉड एरियाज मेरे लाइफ में वो हमेशा मेरे सामने रहेंगे. एंड इफ आई एवर फिल्म वीडियोज उस टेबल से तो फिर आपको ये वाला बोर्ड हमेशा फिल्ड नजर आएगा. सो मेरे ओट्स बाकी है एंड ये ओट्स खाने के बाद आई जस्ट गो ऑन अ क्विक 15-20 मिनट वॉक एंड उसके बाद आई हैव शोल्डर्स एंड आर्म्स टुडे एंड या सी यू गाइस एट द जिम. Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat evaporating your binding. अगर आप मेरे ऐसे हो एंड यू कांट ड्रिंक ठंडी के टाइम पे अगर आपका वाटर इंटेक ख़त्म नहीं होता तो फिर एक बड़ी सी बॉटल ले लो. दिस इज़ अ 2 लीटर बॉटल आई थिंक एंड ट्राई टू फिनिश एक पूरी बॉटल जिम के टाइम पे. आपका जो डेली इंटेक है वो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ये वाली जो टी शर्ट थी ना आई वोर इट आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग क्योंकि खो गई थी एंड आई जस्ट लुक सो फुल. इतना ज़्यादा ऐसे इतना मैं फिल आउट कर रहा हूँ ना इसको. एनी वे जस्ट फिनिश द वर्कआउट. काफ़ी अच्छा वर्कआउट था एंड एक जगह लाइटिंग आई हैव बीन ट्रेनिंग इन दिस जिम सिंस 3.5 ईयर्स थ्री एंड हाफ ईयर्स एंड एक मुझे स्पॉट मिलेगा आपको वर्कआउट के एंड में दिख गया होगा दैट उसमें मेरे शोल्डर उसमें आई वॉज लुकिंग लाइक सो फुल एंड सो वास्कुलर. इतना ऐसे डे लाइट यहाँ पर से ऊपर से डे लाइट आ रहा था एंड स्टैंडिंग एकदम ऐसे वो पुणे वाले साकेत का जिम है डैनिश जिम का वाइब आ रहा था. एंड आई हैव टू गो बैक होम अभी एंड आईकिया का एक पैकेज आया हुआ है सो आई हैव टू पिक दैट अप. आपको उठाना है क्या सर? हाँ हाँ मेरे सो आईकिया का एक पैकेज आने वाला है. आई हैव टू कलेक्ट दैट. आई हैव टू बी होम फॉर दैट एंड देन मॉम ने थोड़े काम बताए ग्रोसरीज वगैरह लेना है एंड मुझे चिकन भी परचेस करना है एंड चिकन मैं यूजुअली वीक में 2 बार परचेस करता हूँ 1-1 किलो एंड या सी यू देयर. 1 किलो बोनलेस चिकन रेडी रखो ना 5 मिनट आओ. चिकन अक्वायर्ड एंड मेरे डैड को है ना एक बहुत ही हाइड एंड सीक का काफ़ी एडिक्शन है तो मैं सोचूँ तो हाइड एंड सीक उनके लिए एंड मेरे लिए आई थिंक कल बाय चोकोज या समथिंग पता नहीं. ये वाली जो कॉफ़ी है ना कमेंट करो कि आप कॉफ़ी कौन से ब्रांड की वीडियो. मैं हमेशा नेस्कैफे या फिर वही वो जो 10 रुपया 2 रुपये वाली जो होती है वो लेता हूँ एंड आई डोंट नो मुझे ऐसे काफ़ी क्यूरियोसिटी है ये वाले ब्रांड्स ट्राई करने के बट दीज आर लाइक सो एक्सपेंसिव 300-400 सम इवन 500 के आते हैं. सो आई डोंट नो इफ इट इज़ वर्थ इट और नॉट. कमेंट में बताओ मुझे. So like you can see most of the activities have been ticked. So I'm a morning person and एक चीज़ जो कि मैंने realize की है ना मैंने notice की है is कि आपका जो morning के जो first 1 to 2-3 hours होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा crucial होता है. So what I want you all to do is ना एक ऐसे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बना लो जैसे कि आज मैंने मेरे एक्टिविटीज़ बताई. एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बना लो जो कि आपको विच ऐड टू योर बेटरमेंट. धीरे धीरे अगर आप वो करोगे तो फिर यू विल गेट बेटर इन लाइफ
एंड यू नो स्टार्ट डूइंग देम, स्टार्ट जस्ट डूइंग देम विदाउट फेल। एंड उससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे इट कैन बी एज सिंपल एज फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक लिस्ट ऑफ आइटम जो कि मेरे फ़ोन में थी वॉज हैव 70 grams ऑफ ओट्स। एंड दैट एक बहुत ही छोटी चीज़ है बट उससे मुझे एक टिक मिलता है। धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम मोमेंटम बिल्ड होता है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दोज एक्टिविटीज़ धीरे धीरे जो कि आपने ही आपके लिए खुद के लिए सेट किया है, इट इज़ नॉट समवन, कोई मिलियनेयर का मॉर्निंग रूटीन नहीं है, वही एक्टिविटीज़ है जो आपने आपके लिए डिसाइड किए कि दिस विल एड टू माई बेटरमेंट। तो फिर आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थाट्स, तो आपका रेस्ट ऑफ द डे भी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। लाइक इफ़ यू हैव अ सेट रूटीन सुबह सुबह फॉर द फर्स्ट टू एंड हाफ आवर्स ऑफ द डे एंड यू आर जस्ट अकस्टम, यू आर जस्ट कंडीशन टू फॉलो दैट रिगार्डलेस, तो फिर यू नो अगर आप यू आर जस्ट गेटिंग लाइक अ लॉट मोर डन बिफोर 9 AM बिफोर 10 AM दैन मोर मेजोरिटी ऑफ द पीपल। सो या इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जो आई सी यू गाइस अगले वीडियो में मिलूंगा ना पिछले वीडियो में।